हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लाए हैं जिसके हेल्प से आप लोक नृत्य तुरंत याद कर लेंगे। आपके लिए लोक नृत्य याद करना एक चुटकी का काम रह जाएगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिक्स बताएंगे ऐसे जो आप स्टेट वाइज सारे, मतलब किस स्टेट का कौन सा जो है लोक नृत्य है वो आपको याद हो जाएगा, वो आप देखते ही सीख जाएंगे। तो ऐसे ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं केरल राज्य से, जो केरला है उससे शुरू करते हैं, साउथ से केरल। तो इसका जो ट्रिक है, तो पहले मैं आपको यहाँ ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये जो है पहले ये आएगा, ऐसे ट्रिक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद जो है ये केरल कथकली, इसमें जो केरल है वो राज्य को डिनोट करेगा और कथकली जो है वो उसके लोक नृत्यों को डिनोट करेगा। तो आप इसे देख सकते हैं कि ऐसे हम इस स्लाइड में हमने इसे तैयार किया है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे शुरू करते हैं, तो सबसे पहले केरल आता है, तो केरल के लिए जो ट्रिक है वो है करेले की कथा। तो करेला जो कि एक वेजिटेबल है, तो सब्जी का नाम है, तो करेले की कथा। तो करेले की कथा में करेले जो है उसे केरल आप याद रखिए और कथा जो उसे कथकली याद रखिए। तो आप ट्रिक याद रखिएगा तो उसे खुद आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने करेले की कथा याद रखा तो करेले दिमाग में आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई करेले तो केरल से मैच करता है तो केरल होगा और इसकी कथा तो कथकली होगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक को। फिर पंजे में भांग डालो, पंजे में भांग डालो, पंजा समझते हैं आप लोग जो हाथ बंद करके पांच उंगली बंद करके पंजा बनाते हैं, तो पंजे में भांग डालो, तो पंजा जो हो गया उसे वो पंजाब को डिनोट करेगा। आप देख सकते हैं कि पंजा एक ही स्टेट है जिसका नाम इससे मिलता है और वो पंजाब, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कंफ्यूजन आपको हो। तो पंजे में भांग डालो, भांग से भांगड़ा। अगले ट्रिक की ओर बढ़े, तो राजा तुम घूमो, राजा जो है वो राजस्थान, तो राजस्थान और राजा मैच करता है, आप देख सकते हैं राज दोनों के शुरुआत में है। तुम घूमो, घूमो से घूमर, तो घूमर जो होता है अगर आपने देखा होगा या फिर जो राजस्थान के हैं उन्हें पता होगा, तो उन्हें ये भी पता होगा कि घूमर में जनरली जो मतलब घूमा ही जाता है, तो इसलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। फिर असम की बहू, ये असम के लिए ट्रिक है, और असम की बहू, तो असम जो है वो तो सीधा नाम हो गया, इसमें तो और कोई परेशानी नहीं है, और बहू, बहू सीधे असम की बहू, तो असम की डांस बिहू, तो बहू जो है वो बिहू को डिनोट करता है, तो आप असम की बहू से इसे याद रख सकते हैं। अगले ट्रिक की ओर बढ़े हैं, तो अरुण का मुखौटा, तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है, तो अरुण, अरुण से अरुणाचल आप समझ जाइए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिक जो है वो स्टेट के शुरुआत के ही कुछ अक्षरों से शुरू होता है, तो अरुण का मुखौटा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई अरुण किस जो राज्य है उसके शुरुआत में आता है, तो अरुणाचल के शुरुआत में आता है, तो फिर अरुणाचल हो गया इसका। और मुखौटा, तो मुखौटा इसका डांस ही का नाम है, यहाँ के लोक नृत्य का ही फोक डांस जो है उसी का नाम है, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले ट्रिक की ओर बढ़े, तो वो है गुजर गई गरीबी, तो गुजरात से गरीबी गुजर गई, तो ये ट्रिक है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि गुजर से गुजरात हो गया, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गुजरात के शुरू में गुजर, यहाँ भी गुजर, गई गरीबी, गरीबी से आप गरबा याद रख सकते हैं, तो ऐसे आप याद सकते हैं कि गुजर गई गरीबी, वह मोदी जी जहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां कैसे गरीबी रहेगी, आप याद रख सकते हैं, जितना आसान आप बना सके उतना आसान बना सकते हैं इसे। हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं आपको गाइड करने के लिए और आपको यहाँ पे बेस्ट ट्रिक कलेक्ट करके देते हैं। तो अगले ट्रिक की ओर बढ़े, तो वो झारखंड राज्य के लिए है, और झारखंड राज्य के लिए जो ट्रिक है वो है झाड़ू में छांव। तो जनरली तो पेड़ में छांव होता है, लेकिन ट्रिक में झाड़ू में छांव है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो झाड़ू, झाड़ू जो है उसमें झारखंड हो गया, और छांव जो है उसे छऊ हो गया, तो छऊ जो है इसका जो फोक डांस है लोक नृत्य है। तो जनरली आप देख सकते हैं अगर आपको लगे कि जो छाऊ थोड़ा अजीब है याद करने में, तो आप एक चीज समझ जाइए कि जब ऑप्शंस आपके, क्योंकि जनरली सारे कॉम्पिटिशन में ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो ऑप्शंस में आप जैसे ही छाऊ देखिएगा, आपको छाऊ भी याद है, अगर आप छाऊ देख लिए तो आप समझ जाएंगे कि भाई यही था, हमने ये पढ़ा है, तो फिर उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और सारे एग्जाम में सारे कॉम्पिटिशन में ऑप्शन होते ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगला जो है उत्तराखंड के लिए है, और उसका जो है यूके में गड़ा, तो यूके में गड़ा, यूके जो यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो आप इसे याद सकते हैं, ये फॉरेन कंट्री का
नाम हो गया यूके में गरा। यूके जो हो गया वो उत्तराखंड हो गया, यू से उत्तरा और के से खंड, तो उत्तराखंड में गढ़वाली, तो आप इसे ऐसे याद सकते हैं। फिर अगला जो है वो है अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, तो अंधेरे में कच्ची पूरी खा लिया किसी ने, आप ऐसे ऐसे याद सकते हैं कि भाई हमने अंधेरे में कच्ची पूरी खा लिया, तो इसे हम क्या जानकारी पा सकते हैं, तो अंधेरे में जो अंधेरा है वो डिनोट करेगा आंध्र प्रदेश को और कच्ची पूरी जो है वो कुची पूरी को डिनोट करेगा, तो आप इसे आराम से याद रख सकते हैं कि हमने अंधेरे में कच्ची पूरी खाई है, वो उसे हम क्या ज्ञान ले सकते हैं। तो सब कुछ में जो है कुछ ना कुछ ज्ञान वाली बातें रहती है, डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से उसे देखते हैं और कैसे उसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो सीखना हमेशा सीखने के लिए जो है प्रयासरत रहे। फिर अगला जो है वो है छतरी में गाड़ी, तो छतरी में गाड़ी, गाड़ी में छतरी हो सकती है, यहाँ छतरी में गाड़ी है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा छतरी में गाड़ी, और छतरी जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ को डिनोट करता है और गाड़ी, गाड़ी डांस का ही नाम है, तो ये फोक डांस का ही नाम है छतरी में गाड़ी, तो जनरली गाड़ी में आप छतरी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रिक है वो इसका उल्टा है, छतरी में गाड़ी, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, तो ऐसे आप इसे याद सकते हैं। तो यहाँ हमने ट्रिक तो आसान बना ही दिया, उसके साथ मैं आप लोगों को सुझाव भी देता हूँ कि कुछ इस ट्रिक को कैसे याद रखें, इस ट्रिक को किस ट्रिक से याद रखें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगला जो है वो है हिम्मत की धमाल, तो यह हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ हिम्मत की धमाल से आप याद रख सकते हैं, हिम्मत जो है वो हिमाचल के लिए हो गया, हिम से आप ऐसे याद सकते हैं, और धमाल जो है वो धमान के को डिनोट करता है, धमान जो है वहाँ का लोक नृत्य है, तो इसे आप याद रखें। फिर गोवा की मंडी, तो ये तो बहुत आसान है, गोवा की मंडी, गोवा मंडी, तो गोवा जो इसमें हो गया वो क्या हो गया, राज्य हो गया, मंडी क्या हो गया, वहाँ का डांस हो गया, लोक नृत्य हो गया, तो गोवा की मंडी, गोवा मंडी, तो इसमें कुछ नहीं था, ऐसे ही आपको याद रखिएगा। बहुत मंडी आप लोग नाम सुनते होंगे, ये मंडी, सब्जी मंडी, क्या क्या मंडी, तो गोवा मंडी भी आप याद रखिए, और से आपको वो ट्रिक याद रहेगा। फिर अगले ट्रिक की ओर बढ़े, तो बंगले की काठी, बंगले की काठी पश्चिम बंगाल के लिए है ये ट्रिक, और पश्चिम बंगाल, बंगाल से तो बंगले आप याद रखते हैं, और काठी से वहाँ के, वहाँ का जो लोक नृत्य है, तो उसे आप याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको गाइड तो कर ही रहे हैं, वीडियो बना के आपके सामने हम पहुँचा ही रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, आप जाके लाइक कर सकते हैं @competitionchutki में, जो हमारे फेसबुक पेज का आईडी है, तो आप उसे सर्च भी करेंगे तो भी आ जाएगा, तो आप इसे जाके यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे उसके लिए, और वहां जाके आप क्लिक कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पेज को अगर लाइक कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पेज को लाइक कर लिया है तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आप फेसबुक तो चलाते ही हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन ये आपके लिए पढ़ाई के क्षेत्र में लिया गया एक अच्छा जो है कदम साबित होगा, तो हम पोस्ट जो करेंगे वो आप तक सीधे पहुंच जाएगा अगर आप पेज को लाइक कर लेते हैं, और जो आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक पे दोस्त से बात भी कर रहे हैं, तो न्यूज़ फीड पलटा के देख रहे हैं, तो उसमें आपको ये भी पढ़ाई के, पढ़ाई से रिलेटेड मिल जाएगा। तो आप इसे लाइक जरूर कर लें, यहाँ पे जाके देख सकते हैं बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ डालते हैं, तो आपको PDF फाइल भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, इमेज के रूप में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे, और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने के लिए है वीडियो, तो आपको अगर फ्यूचर में यूज करना है, स्टोर करके इसके रखना है, तो आप उस पेज पे जाके सारे जो पिक्चर्स हैं या फिर PDF हैं, तो वहां से आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगले ट्रिक की ओर बढ़े, तो वो मेघालय के लिए है, और मेघालय जो है मेघलाव, तो मेघालय बारिश से रिलेटेड है, बहुत वहाँ बहुत बारिश होती है, आपको पता होना चाहिए, और मेघालय मेघ से मेघ हो गया, लाओ तो लाहो, तो लाओ और लाहो आप देख सकते हैं कि दोनों मैच करता है, लाओ लाहो, तो इसे आप ऐसे याद सकते हैं। फिर अगला जो है वो नागालैंड के लिए है और काफी मजेदार है, नाग की चोंच, तो चोंच नाग की होती है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन ट्रिक जो है वो काफी मजेदार लग रहा है, सुनने में ही इंटरेस्टिंग है काफी, कि नाग की चोंच जनरली पक्षियों की होती है, लेकिन यहाँ नाग की भी चोंच है, तो नागालैंड को डिनोट करता है और ये नाग जो है, और चोंच जो है वो चोंग को डिनोट करता है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से आप इसे याद रखिए, और ऐसे ही मतलब इस ट्रिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगला जो है उड़ीसा के लिए, उड़ी उड़ी बाबा, वाह ये ट्रिक आप देखिए, उड़ी उड़ी बाबा, तो बाबा जो है ऐसे उड़ी उड़ी, तो उड़ीसा को डिनोट करता है ये उड़ी उड़ी, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उड़ी उड़ी बाबा काफी जो है एक मजेदार ट्रिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को हंसी भी आ गई होगी, तो ट्रिक ऐसे ही होते हैं, मजेदार होते हैं, तभी आपको जो है आसानी से याद रहता है, तो उड़ी उड़ी बाबा से आप उड़ीसा याद सकते हैं, और ओडिसी, ओडिसी जो है वहाँ का फोक डांस है, लोक नृत्य है, तो आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं।
फिर अगला जो है कर्नाटक के लिए है, कान में करो यज्ञ दान। तो कान में ही यज्ञ दान करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो कर्नाटक जो है ये उसे डिनोट करता है, कान कान जो है वो कर्नाटक को डिनोट करता है, और यज्ञ ज्ञान जो है वहां के डांस का नाम है, लोक नृत्य फोक डांस का नाम है, तो उसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तमिलनाडु, तुम मिले भारत, इसे आप, यह भारत आप लोगों को पता होगा काफी फेमस नाम है। क्यों फेमस नाम है? तो राम जी के भाई रह चुके हैं, रामायण में चर्चा है। तो तुम मिले भारत, तो इसे आप तमिलनाडु, तुम मिले जो है उसे तमिलनाडु आप याद रख सकते हैं, और भरत से भरतनाट्यम, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला जो है वो है उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर की रास, उत्तर की रास। तो उत्तर की रास में उत्तर जो है वो उत्तर प्रदेश को डिनोट करता है, और रास जो है रासलीला। तो आप देख सकते हैं आपके लिए काफी आसान हो गया, उत्तर जो है उत्तर प्रदेश का पहला अक्षर हो गया, रासलीला का रास जो है वो पार्ट हो गया पहला, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक्स जो है हम आप लोगों को देते रहेंगे आगे। तो हमें लगता है हमने ऑलमोस्ट सारे जो है स्टेट्स हैं जिनके यहाँ पे लोक नृत्य हैं, जिनसे पूछे जाते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया। तो आप अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। उन्हें भी पता लगना चाहिए कि आप कैसे ट्रिक्स से पढ़ते हैं। तो आप इसे शेयर करें, वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जरूर लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें। आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो दें, क्योंकि ये भी हमें कमेंट में ही जो है सुझाव मिला था, तो हमने इस पे वीडियो बनाया। तो आप भी वहाँ देंगे तो हम उस पे ध्यान रखेंगे, ध्यान रखा जाएगा आपकी बातों पे, सुझाव पे, और उस पे आगे होगा तो वीडियो भी बनाएंगे हम। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सुझाव दें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। हम जो यहाँ ट्रिक्स अपलोड करते हैं वो इतना मजेदार होता है कि आपको खेल खेल में जो है काफी जानकारियां मिल जाती है, आप तुरंत कुछ भी सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको, और वहाँ नोटिफिकेशन बेल जो है उस पर भी क्लिक कर ले, ताकि हम जो वीडियोज डालें, घंटी का निशान होगा तो उस पर क्लिक कर ले, ताकि हम जो वीडियोज डालें वो आप तक सीधे पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि ये यहाँ वीडियो इन्होंने अपलोड किया है, तो आप देख ले जाके। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, काफी अच्छा लगता है आप लोगों से ट्रिक्स शेयर करना, और उसके बाद जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं वो भी सुनना काफी अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसे ही हमारा हेल्प करते रहेंगे, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे, ऐसे ही हमारा साथ देंगे, हम यहाँ आपको गाइड करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि आपको एसएससी में जो है सक्सेस नहीं मिल जाता है, आपको जो है किसी भी जनरल कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिल जाता है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। फेसबुक पेज को जैसा कि मैंने कहा जरूर लाइक कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ, कुछ और मजेदार ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।